हाय व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रेम जी आयुर्वेदिक। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सोंठ और शहद की अद्भुत फायदे के बारे में, यानी कि ये सोंठ और शहद खाने से क्या क्या बीमारियाँ ठीक कर सकता है वो आज मैं बताने वाला हूँ। आप अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। अभी चलता हूँ इस वीडियो के अंदर, आपको मैं एक एक करके बताने वाला हूँ, तो आप पूरा एंड तक देखने से आपकी अच्छा जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। तो पहले है पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए। इस पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको सोंठ को आधा चम्मच, शहद को आधा चम्मच लेकर मिक्स करके सुबह सुबह खाली पेट खाने से पाचन शक्ति बढ़ेगी और भूख की कमी दूर हो जाएगी। डाइजेशन ठीक तरह होकर गैस एसिडिटी की किसी को समस्या है तो वो सब दूर होने वाली है। और दूसरी है शरीर की अधिक कोलेस्ट्रॉल को निकाल देगी और शरीर को अच्छा बना देगी इस सोंठ और शहद। और इसे खाने से खांसी सर्दी वो भी ठीक होने वाली है। तो जिसको खांसी की सर्दी की प्रॉब्लम है तो लोग इस सोंठ और शहद में 5 तुलसी का पत्ता, 2 काली मिर्च डालकर ये 4 चीज़ मिलाकर खाने से खांसी और सर्दी दूर होने वाली है। और मसल क्रैम्प्स, जिसको मसल क्रैम्प्स है वो लोग ज़रूरी इसकी इस्तेमाल करनी है। इस सोंठ और शहद में दो बादाम की चूर्ण बनाकर, इस बादाम चूर्ण को इसमें सोंठ और शहद में मिलाकर दिन में 2 बार खाने से मसल क्रैम्प्स भी दूर हो जाता है और शरीर को शक्ति बढ़ जाती है। और अस्थमा में इस सोंठ और शहद को थोड़ा गर्म पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट में पीने से अस्थमा दूर हो जाता है। और घुटने की दर्द, जोड़ों की दर्द, गठिया रोग में भी इस सोंठ और शहद की ज़रूरी इस्तेमाल करनी है। इस घुटने की दर्द, जोड़ों की दर्द, जिस और गठिया रोग में इस सोंठ और शहद को खाने से सब दर्द की रोग दूर होने वाली है। और ये खाने से टॉन्सिल्स, जैसा कि गला खराब रोग, वो सब भी ठीक हो जाता है। और ऐसा वाली बहुत फ़ायदा भी है इस सोंठ और शहद मिलाकर खाने से, मैं दूसरी वीडियो में और बताने वाला हूँ। आप अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूरी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और अच्छा अच्छा वीडियोस आने वाली है। मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिए।